और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन अल जवाहरी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जवाहरी के 4 मंजिला घर का मॉडल बनाया गया। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक व्हाइट हाउस में घर के मॉडल का प्रेजेंटेशन हुआ। घर की बनावट और दिशा का पूरा ब्यौरा दिया गया। घर पर पड़ने वाले सूरज की रोशनी की स्टडी की गई, यानी पूरी तरह से इस घर के मॉडल को समझा गया और उसके बाद हमले की रणनीति बनाई गई। अलजवाहरी के घर की लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। अलजवाहरी के घर को तिरपाल से ढका गया। अमेरिका के ऑपरेशन के बाद इस घर को ढक दिया गया है। देखिए इस कवर्ड हाउस की ये पिक्चर्स। ये वो हिस्सा है इस घर का जहां बालकनी में अयमान अलजवाहरी चहलकदमी किया करता था। उसकी चहलकदमी के पैटर्न को, टाइमिंग को नोटिस किया गया था। पहले घर की लोकेशन को पता किया गया, फिर अयमान अलजवाहरी के रूटीन को नोट किया गया, देखा गया वो पूरे दिन में किस शेड्यूल को फॉलो करता है, क्या वो एक पर्टिकुलर टाइम में इस जगह पर चहलकदमी के लिए आता है। जब वो इस जगह पर चहलकदमी के लिए आता है तो उस समय यहाँ रोशनी कैसी होती है, क्या यहाँ ठीक से दिखाई पड़ेगा, उस दिन मौसम कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहेगा, उसको लेकर फोरकास्ट क्या है, क्या उस समय बादल रोशनी को रोक रहा होगा और उसकी वजह से क्या चेहरे स्पष्ट समझ में नहीं आएंगे। ये तमाम बातें थी। आखिरकार अयमान अलजवाहरी को चिन्हित करके उसे मार दिया गया और अब उस हिस्से को त्रिपाल से ढक दिया गया है। और ऑपरेशन जवाहरी पर एक और बड़ा खुलासा। 3 महीने तक जवाहरी के पैटर्न पर नजर रखी गई। जवाहरी को बालकनी में टहलने का शौक था। बालकनी में टहलते वक्त ही जवाहरी को मारा गया था। हमले के वक्त जवाहरी का परिवार घर के दूसरे हिस्से में था। तस्वीरें आप देखिए, ये उसी मकान की तस्वीरें, बालकनी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो जानकारी मिली है, जो रेकी की गई, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन जुटाया गया, उसमें एक आदत जवाहरी की जो उसके लिए जानलेवा साबित हुई वो ये कि बालकनी में आता था, टहलता था और इसी बात का इंतजार अमेरिकी एजेंसीज को था। जैसे ही वो बालकनी में आया, उस पर हेलफायर ड्रोन से टारगेटेड अटैक किया गया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसी घर में छुपा था जवाहरी।